Assalamualaikum, hi friends, welcome to my channel. आज आप सभी के साथ एक बहुत ही यम्मी स्वीट रेसिपी शेयर करूंगी, कोकोनट संदेश यानी कि नारियल का संदेश। इस संदेश को बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। आई होप आप सभी को भी पसंद आएगी। तो चलिए इस यम्मी कोकोनट संदेश कैसे बनाते हो देख लेते हैं। तो गैस ऑन करने से पहले एक पैन में हम नारियल का पेस्ट रख देंगे। ये एक नारियल का पेस्ट है और इस नारियल को मैंने एक कप फ्रेश मिल्क के साथ इस तरह से मिक्सर में पेस्ट बना लिया है बिल्कुल फाइन करके। अब हम एक कप मावा यानी कि खोया ऐड कर देंगे जो कि मेरे कप में 200 ग्राम्स होता है। अब हम एक कप डार्क ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ डार्क ब्राउन शुगर का यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आप चाहो तो वाइट शुगर या फिर कुछ भी शुगर आपका पसंद के अनुसार आप यूज़ कर सकते हो। अब सब कुछ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है। तो अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, गैस ऑन करने से पहले हमको ये सब प्रोसेस कर लेना है। अगर आप चाहो तो दूसरा बाउल में भी मिक्स करके पैन में ऐड कर सकते हो। तो देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम गैस ऑन कर देंगे। अब दो इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और लगातार स्पून को हम इस तरह से चलाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इस तरह से लगातार स्पून को हम चलाएंगे जब तक सब कुछ इकट्ठा नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं संदेश के मिक्सचर के अंदर एक बहुत ही अच्छा कलर आया है डार्क ब्राउन शुगर यूज़ करने के वजह से। ब्राउन शुगर ऐड करने से कलर भी अच्छा होता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ब्राउन शुगर के अंदर एक अच्छा फ्लेवर होता है जो कि वाइट शुगर में नहीं रहता है और साथ ही थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं सब कुछ इकट्ठा आ गया है और पैन को भी छोड़ दिया है, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर आप चेक भी कर सकते हो। अब हम इसे ठंड होने के लिए रख देंगे। तो देखिए सिलिकॉन का मोल्ड में थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर इसके अंदर रखेंगे और एक अच्छा संदेश का शेप दे देंगे। आप अपना पसंदीदा कुछ भी शेप में इसे बना सकते हो या फिर आप बर्फी के शेप में सिर्फ काट भी सकते हो। देखिए इस तरह से। तो हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट बनी है। आपको शायद देख के ही मालूम हो रहा है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये संदेश। बहुत ही सॉफ्ट होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। और देखिए ये संदेश इतनी सॉफ्ट बनती है कि दोबारा आप इसे कुछ भी शेप में बना सकते हो।
तो कोकोनट संदेश या नारियल का संदेश बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर जरूर करें और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।